आप लोग बाबा विश्व राउत का नाम सुने हैं क्या? बाबा विश्व राउत का नाम सुने हैं? दूध भी चढ़ाने गए होंगे। जो मधेपुरा जिला भागलपुर जिला के लगभग बॉर्डर पर बाबा विश्व राउत का बहुत भव्य मंदिर है। बाबा विश्व राउत का घर भागलपुर भिट्ठी सबोड़ में 5 रास गाय लेकर के आए थे। कहा मधेपुरा जिला भागलपुर जिला के बॉर्डर पर और मधेपुरा जिला में पड़ते हैं। 5 रास गाय से 90 लाख गाय हो गई, इसलिए उस स्थान का नाम रखा गया पचरासी स्थान। बाबा विश्व राउत भोला बाबा के परम भक्त थे। नन्हवा भोरे के ऊपर गाय छोड़ करके सावन महीना में बाबा विश्व राउत बाबा धाम जाते थे जल चढ़ाने के लिए। इसके भाव और प्रेम पर एक दिन बाबा धाम में देवाधिदेव महादेव माता पार्वती प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे ऊपर जल चढ़ाते हो, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे नाम पर लोग दूध चढ़ाएंगे। दूध सज्जनों, बाबा विश्व राउत जिस समय शरीर छोड़े थे, इतनी गायें वहां थी कि गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगे और उस दूध की धार में बाबा विश्व राउत का शरीर भस करके घघड़ी धार में चला गया पक्षी। जो बाबा विश्व राउत स्थान है मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड लौवा लगान से पक्षी, और अभी भी वहां शुक्र सोमवार के दिन बैरागन लगता है। हजारों लोग वहां दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं और 14 हर साल के 14 अप्रैल को वहां घमासान भीड़ होता है, घमासान मेला भी लगता है। मेला में तो दूध चढ़ाने में इतना भीड़ होता है कि जो गए हैं वो तो देखे होंगे। 2 आदमी आवे रहे दूध ढारी के, एक आदमी कल के हो दूध ढारले रहो या कह कल के भाई की ढार भो, जहनो भीड़ रहो हम वो सरह पर ढारी दिली। एक आदमी कल के महाराज तुम वो सरो पर ढार लो, हमरा लोग जहनो धकेली दलखो हम तो सरह पर ढारी चलो। बाबा विश्व राउत के महिमा को देखिए तो हर साल के 14 अप्रैल को जाकर देखिए, 14-15 अप्रैल। आइए इसी पर हम आपको एक भजन लेकर आए कि इंसान की खुशबू कैसे रहती है, और इस भजन में सहयोग कर रहे हैं तबला पर देवन कुमार कोसकीपुर कुर्सेला कटिहार, ऑर्गन पर अमित कुमार जो सरसी पूर्णिया, पेट पर हैं पिक्को कुमार खापुर रतवारा आलमनगर मधेपुरा, और पीछे में जो बैठे हुए हैं रात दिन गाड़ी चलाने वाले अच्छे कुमार ग्राम भगवानपुर ढोलबज्जा भागलपुर, मेरे नाम से परिचित हैं पलटू बाबा ग्राम सोहरा टोला थाना पोस्ट चौसा जिला मधेपुरा, मोबाइल नंबर 88-25-12-93-07। आई आओ इस भजन को रिकॉर्डिंग करने वाले सज्जनों,